हेलो, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको सूर्य उपासना रहस्य बताएंगे, सूर्य के मंत्र के विषय में और सूर्य आराधना की कुछ खास जानकारी, और सूर्य से रिलेटेड एक खास मंत्र है उसी पे आज चर्चा है। सूर्य उपासना के विषय में गीता प्रेस ने काफ़ी मेहनत करी है और सूर्य उपासना अंक निकाला गीता प्रेस ने, और सूर्यांक, और उसमें काफ़ी सूर्य से रिलेटेड जो डिटेल है वो दी हुई है। उसी का कुछ अध्ययन करके मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल जानकारी लाया हूँ। जैसे सूर्य उपासना के अनेक साधन, यंत्र, मंत्र, तंत्र उपलब्ध है। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भगवान राम ने भी यह पाठ किया था। तो जनरली सूर्य की जब पीड़ा होती है किसी भी जातक को, मतलब जातक इसलिए बोलता हूँ मैं कि कुंडलियाँ देखता रहता हूँ तो उनको जातक बोला जाता है, जिनकी कुंडली देखी जाती है, तो जातक ही मेरे मुँह से निकलता है। मतलब ये वीडियो आम पब्लिक के लिए, किसी के लिए भी जो देखे, आम जन के लिए, ठीक है। सूर्य आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए जनरली सूर्य पीड़ा के लिए, क्योंकि सूर्य भगवान जो है शरीर है कि हेल्थ हेल्थ देते हैं, रक्षा करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। और सूर्य भगवान भेद नहीं करते हैं किसी भी प्रकार का। जब सूर्य उदय होते हैं पूरी दुनिया जाग जाती है, ठीक है, और सब काम धंधे पे लग जाते हैं। तो भगवान सूर्य एक प्रकार से हमारे अलार्म है कि मॉर्निंग होते ही, सूर्य उदय होते ही सारी चीज़ें हमारी चालू हो जाती है। सूर्य उदय होती तिथियां लागू हो जाती है कि आज कौन सी तिथि है। भाई सूर्य उदय होगा तभी तो तिथि पता लगेगी, तो सूर्य उदय होते साथ ही तिथि पता लग जाती है ना, और ये तिथि है हमारी साहब आज, और अपना काम धाम चालू हो जाता है। नेत्र रोग से बचने हेतु नेत्रोपनिषद भी है एक, ठीक है, जिनको नेत्रों की आँखों की समस्या है। गीता के अध्याय 10 में श्लोक नंबर 21 में लिखा है, मैं प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, ठीक है। गीता के अध्याय 11 श्लोक नंबर 19 में लिखा, शशि सूर्य नेत्रम, सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं, ठीक है। भगवान के बारे में कहा गया है, भगवान कृष्ण के बारे में, ठीक है। भगवान कहते हैं प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अध्याय 15-12 में, 15-12 मतलब अध्याय 15 श्लोक नंबर 12, सूर्य का तेज मैं ही हूँ, चंद्रमा तथा अग्नि का तेज मेरा ही है, ठीक है। गीता के अध्याय 7 में लिखा है श्लोक नंबर 8, प्रभास्मि शशि सूर्यो, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। रामचरितमानस में लिखा है, नयन दिवाकर कच घनमाला, आंखों के समस्त रोग सूर्य उपासना ठीक होते हैं। रामचरितमानस में कोई श्लोक आया है, नयन दिवाकर कच घनमाला। अब वो श्लोक का मैं उसको डिकोड नहीं कर पाया, मैं देख नहीं पाया, उसमें लिखा हुआ था बकायदा कि यहाँ यहाँ दिया है, लेकिन मैं उतना नहीं देख पाया, नहीं तो आपको बताता वो पर्टिकुलर किस भाग में लिखा है। जो क्रिएटर होता है, वीडियो बनाने वाला था होता है, यूट्यूबर होता है, उसका यही तो काम है यार कि कंटेंट देना पब्लिक को, अच्छी चीज़ें देना। हम आपको बता रहे हैं कि यार ये चीज़ यहाँ लिखी है, ठीक है, इसी का तो मतलब है वीडियो बनाना। यार ये वीडियो में मिलेगा आपको, रेफरेंस मिलेगा, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और बकवास टाइप के वीडियो नहीं बनाया जाता भैया। जो कंटेंट होंगे वही दिया जाएगा, तो अच्छे कंटेंट देना हमारा काम, ठीक है। सूर्य उपासना के लिए मंत्र अथर्वेद कृत मंत्र है, सूर्य नारायण महाराज का अष्टाक्षर मंत्र है। अष्टाक्षर मंत्र आठ आठ अंक होते हैं, ठीक है। ओम घृणी सूर्य आदित्योम, ठीक है, ओम घृणी सूर्य आदित्योम, ओम आदित्य विद्य शस्त्र किरणाय तन्य सूर्य प्रचोदयात। अब ये जो नीचे वाला जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र है, ठीक है। आपको जो करना करना, कोई एक मंत्र आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई एक मंत्र इनमें से लेना पड़ेगा। आप ये ले लो भैया, ये वाला, ठीक है, इसको ले लो आप, इस मंत्र को ले लो आप, ओम घणीशुर आदित्योम। और ये दूसरा वाला जो मंत्र है, ठीक है, ये दूसरा जो मंत्र है गायत्री उपासना वाले जो करते हैं वो करते हैं, ओम आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय तन्न सूर्य प्रचोदयात। सभी नौ ग्रहों के पीछे ये तन प्रचोदयात प्रचोदयात लगा दिया गया है, और विद्य है तो लगा ही लगा है जितने भी मंत्र हैं, ठीक है। तो ग्रहों के मंत्र में सभी ग्रहों के गायत्री मंत्र भी बनाए गए हैं, ठीक है। सूर्य की उपासना से मानव शरीर की समस्त आदि व्याधि से मुक्ति होती है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है बड़ी उपयोगी चीज़ है। अब आगे चलते हैं, और इसके बाद ये वाला ले लेते हैं, कहाँ गया भाई, हाँ, इसके बाद ये एक और चीज ले लेता हूं मैं, ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य श्री, ये मंत्र भी दिया है।
ओम ह्रीम घणी सूर्य आदित्य श्री, ये मंत्र मैंने कहाँ से लिया? ये मंत्र मंत्र महोदधि से लिया हूँ, लेकिन काफी टफ सा लगता है यार। ओम ह्रीम घणी सूर्य आदित्य श्री, ठीक है, ये मंत्र महोदधि से मैंने उठाया है मंत्र, लेकिन सरल तो यही है यार, ये जो मैंने पहले बताया ओम घणी सूर्य आदित्यों। और देवराहा बाबा ने भी इसी को बोला है, किरण राव साहब भी बोलते हैं यार यही मंत्र करो, ठीक है, तो इसी को ले लो यार, ज़्यादा गलत मत पालो, ज़्यादा फिर के प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाते हैं, ऐसे हिंदुस्तान में कम थोड़ी हैं लोग, है ना, पढ़ने नहीं देते लोगों को दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, बोले वो गलत हो जाएगा तो देवी निकल के साक्षात आ जाएगी। अरे हद हो गई यार, हम तो चाह ही रहे हैं कि देवी आ जाए, कुछ हिसाब कर लेंगे हम भी यार, अपनी अपनी आप बीती बता देंगे, तो ऐसे डराते रहते हैं लोग कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, फिर उनके क्या क्या करें यार, सब सबके अलग अलग बात है। अब भला ऐसा होता है क्या देवी निकल के आ जाएगी? इस कलयुग में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है यार, मंत्र पढ़े और देवी नाराज हो गई, गलत पढ़ रहा था, तो बोले कुछ कहते हैं ये पढ़ने से वो मर गया और जिंदा हो गया, अरे यार अब फालतू की बातें हैं सब, है ना। ओम गणेश आदित्य ये मंत्र ले लो, इसके बाद देखो और मैंने ये मंत्र जो है भगवान कृष्ण के मंत्र है, जैसे मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ तो जनरली ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, जैसे मैं इस्कॉन का फॉलोअर भी हूँ तो मैं ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब दिक्कत क्या होती है, जैसे कोई संस्थान के कोई फॉलोअर होते हैं वो क्या बिल्कुल उसको वही बोलते तुम ये पढ़ना इसके आगे कुछ मत जाना, पूर्णतः दिमाग को बंद कर दिया जाता है। जैसे आप इस्कॉन के फॉलोअर है तो बोलेगा इस्कॉन की ही किताब पढ़ना भैया, दूसरी नहीं पढ़ना, ठीक है। और जो दूसरे, जैसे अब मैं रतलाम में था तो एस्कॉन वाले उधर नहीं जाते थे, उधर वाले इधर नहीं आते थे, कैसे, जो महाकाल मंदिर वाले उनको ऐसा लगता था कि हम ही सही हैं, हम ही सर्वोपरि है, वो तो भगत ही नहीं है, बोले गोरे लोग, तो एस्कॉन वाले को गोरे लोग मानते हैं, ठीक है, और एस्कॉन वाले को लगते हैं कि हम जो गीता की और श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं, हम श्रीमद् भगवान श्रीमद् गीता का या श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन करते हैं और पाठ करते हैं वही सही है। सही में एस्कॉन वाले जब गीता का लेक्चर देते हैं तो बकायदा वो लिखते हैं ये श्लोक ये कोट के आज मैं व्याख्या करूँगा, कोई उसमें छल कपट नहीं है। बाकी आप देखो बाकी जगह श्रीमद् भागवत का जब पाठ होगा ना वो दुष्ट बताने को तैयार भी नहीं कि आज क्या पढ़ने वाला है वो, ठीक है। रतलाम में मैं था एक बार तो मैंने श्री ऐसे एक महाराज जी को बोला कि महाराज जी आप भागवत कर रहे थे, मेरे को ये बता दो आप कि आप कौन सी भागवत जी प्रकाश किस प्रकाशन की भागवत जी आपके पास। उसने स्कूटर चालू किया और जो भागा था दोबारा मुंह नहीं दिखाया। तो ये ज्ञानी लोगों की पहचान नहीं है, अज्ञानियों की पहचान है, ठीक है। आप बता दो कम से कम इस्कॉन वाले इतना तो करते हैं यार कि आज मैं यार हमारा श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा है ये श्लोक में पढ़ाऊंगा मैं, मतलब कुछ नहीं बताना जनता को, बस लफ्फेबाजी गीत संगीत करो श्रीमद् भागवत हो गई, ठीक है। श्रीमद् भागवत तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, रस है यार, भगवान कृष्ण ने रस दिया भक्ति का उसमें। तो यही है ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान कृष्ण का मंत्र है। ओम नमो नारायण क्या रहता है, कई लोगों को मैं बोलता हूँ कि आपकी बुध की महादशा चल रही है तो आप भगवान बुध की सेवा करो, और फिर मैं बोलता हूँ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने में लग जाता 15 से 20 मिनट का समय, और उसमें 1000 श्लोक संस्कृत के, ठीक है, उसको भी गीता प्रेस ने तोड़ दिया टुकड़े टुकड़े में, ठीक है। तो वो जो नाम एक एक नाम को प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर करना पड़ता है, तो ये कलयुग लोग करना नहीं चाहते, बोलते मैं सुन लूँगा महाराज, सुन ले भाई, अरे काय को सुन लेगा यार तू, थोड़ा सा मुंह से जुबान से अपनी जबड़ी से बोल ले भगवान के नाम तो तर जाएगा, लेकिन उसका तो समय खराब है, उसकी जबड़ी चलती नहीं भगवान के लिए। तो फिर मैं बोलता हूँ ऐसा कर यार तू बहुत ही मक्कार किस्म का आदमी है, लाल है, बहुत इंगेज है, तो बहुत VIP है, नहीं पढ़ना चाहता है, तो फिर बोलता हूँ ओम नमो नारायण पढ़ ले भैया, या फिर मैं बोलता हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर ले माला में एक बार। एक बार यदि माला में आप जप कर लोगे 108 भयंकर ही उपयोगी चीज़ है, क्योंकि नवमांश हम जब पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी में तो 108 नवमांश है। अभी गुजरात के एक एस्ट्रोलॉजर से मेरा परिचय हुआ है, वो कहते हैं साहब ये 108 नवमांश के भी नाम है बोले, लेकिन ये डिकोड नहीं हो पा रहे हैं, बहुत गोपनीय रहस्य है इसका, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में कई ऐसी चीज़ हैं जो भयंकर गोपनीय है। अब बात मैं और आगे पढ़ता हूँ, ठीक है, आगे पढ़ता हूँ। वृहन्नारदीय पुराण में लिखा है हरेर नाम केवलम कलो नास्ते हो नास्ते हो गतिरंथा, हरेर नाम केवलम, ठीक है, केवल हरि का नाम ही लेना है। वृहन्नारदीय पुराण कहते हैं केवल हरि का नाम ही लोगे दुष्टों तर जाओगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हरि का नाम ले लो भैया। हरेर नाम केवलम,
इसके अतः और कोई गति नहीं है, हरि नाम लेने के अलावा इस जीवन में कोई गति नहीं आपको। तो ये बहुत ही जोरदार नॉलेज है, हमारा सनातन नॉलेज है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम चलते हैं, अब मैंने ये बताया कि ज्योतिष में भगवान कहते हैं कि मैं नक्षत्र भी मैं ही हूँ, तारा भी मैं ही हूँ, भगवान कृष्ण बोलते हैं सब मैं ही हूँ। आप जब गीता पढ़ोगे, भगवान लिखे हैं उसमें, मैं प्रकाशो में तेजस्वी सूर्य अध्याय 10 पढ़ोगे सब मिलेगा आपको, ठीक है। नक्षत्र भी मैं ही हूँ, यही भी मैं हूँ, वही भी मैं हूँ, सब भगवान कृष्ण कहते हैं मैं हूँ। अब क्या रहता है कि जब हमने ये देखा, भगवान सूर्य की महिमा देखा, एक ज्योतिष का ग्रंथ है जातक देश मार्ग चंद्रिका, ठीक है, उसमें एक श्लोक आया है, अंतर्दशाधिपे क्षेत्रे वर्तते भास्करो यदा तस्मिन काले दशा प्रोक्त फलम भवति निश्चितम। मतलब जब भी सूर्य जिस राशि में चले उसी की दशा एक्टिवेट हो जाती है। मतलब जैसे सूर्य अभी वर्तमान में कहाँ चल रहा है, वर्तमान में सूर्य महाराज जैमिनी, ठीक है, मतलब मिथुन राशि में चल रहे और आद्रा नक्षत्र में चल रहे। तो ये लिखा जाता है देश चंद्रिका मार्ग में कि क्या होगा साहब, होगा ये कि जिन व्यक्तियों की बुध की दशा अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर चल रही, तो बुध एक्टिवेट हो जाएगा और बुध से रिलेटेड काम होने लगेंगे, ठीक है। तो ये सूर्य की ताकत है। और तो और हम ज्योतिष पे मैं लगातार अध्ययन करता रहता हूँ, ठीक है, हमारा काम ही यार ज्योतिष का काम है, दुनिया भर के लोगों की कुंडली देख रहे हैं, है ना, खुद का तो पेट दर्द हो रहा है खुद नहीं जान रहे, लेकिन वो लाल बहादुर शास्त्री की कुंडली देख रहे हैं, तो कहीं राजीव गांधी की कुंडली देख रहे हैं, तो कहीं पता लगा कि इंदिरा गांधी की कुंडली देख अध्ययन ही कर रहे हैं। इसलिए ज्योतिष जो लोग हैं ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले थोड़ी होते, ज्योतिषी बहुत गरीब होता है, जो ज्योतिषी देखना कि बहुत रेयर ज्योतिषी के पास लाखों रुपया छापता है, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी फीस है, 10,000 रुपये 15,000 रुपये, वो 60 साल, हमारा हम लोग ज्योतिष के ग्रुप में भी जुड़े हैं, हमारा एक मित्र लिखता है उसमें कि मैं 4 ज्योतिषियों को जानता हूँ जो लगभग 60 लाख रुपये ईयरली कमाते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो टैक्स भी देते होंगे, ठीक है। तो ये रहता है कि हर एक ज्योतिषी जो है पैसे वाला नहीं होता। पहले जो हम लोग देखते थे कर्मकांडी और ज्योतिषियों को बड़े साधारण और गरीब होते थे, क्यों होते थे बताओ, इसलिए होते थे ऐसे ज्योतिषी कोई व्यक्ति चीटिंग नहीं कर सकता, वो जानता है कि ये मैं ग्रहों के साथ रहता हूँ और ग्रहों से मेरी दोस्ती है, ये ग्रह किसी के सगे नहीं होते, किसी को छोड़ते नहीं, उठा उठा के पटकते हैं, उल्टे सीधे काम करो। तो यदि कर्मकांडी कोई बहुत उल्टे सीधे काम करता तो बाद में कुत्ते की मौत होती है उसकी, बहुत सारे कर्मकांडियों को मैंने देखा, बहुत बुरी हालत होती है। वैसे ही बहुत से सारे ज्योतिषी ऐसे होते हैं बहुत ही पाप कर्मा में वो इन्वॉल्व होते हैं, और इसके बाद उन लोगों की जो गत होती है ना बहुत ही खराब गत होती है। इसीलिए ये ज्योतिष विद्या से पैसे कमाने के पहले एस्ट्रोलॉजर को सोच लेना चाहिए कि बेटा वो तो मुसीबत में आया तेरे पास, कोर्ट कचहरी डॉक्टर सबसे त्रस्त हो गई पहुँचा है ना, महाराज कुछ करो, यदि तुमने कहीं उसके साथ गद्दारी करी तो तुमको छोड़ेगा नहीं भगवान। तो ये ज्योतिषियों को सलाह, ग्रहों के पैसे नहीं पचते बेटा, याद रखना ग्रहों के पैसे से पचते नहीं है, पचाना पाओगे। तो बात सूर्य की चल रही थी। एस्ट्रोलॉजी में कई बार क्या होता है, सूर्य महाराज इंडिकेशन देते हैं कि आपने हमने हमारे मित्र हैं एक पटना में अमित जी, उसके साथ हम ज्योतिष में अनुसंधान करते हैं, दिल्ली कुछ लोग हमारे दिल्ली में बैठे हैं लगातार ज्योतिष में अनुसंधान करते हैं, और हम लोग पाते हैं कि ये जो सूर्य है ना इशारा करता है कि कब किसी जातक के साथ क्या होने वाला है। जैसे कि मान के चलो कि जो घटना घटित होने वाली है तो सूर्य महाराज इशारा कर देते हैं, जैसे आपके साथ कोई बड़ी बिग अचीवमेंट होने वाली हो, बहुत प्रसिद्धि होने वाली है, तो सूर्य महाराज आपकी पत्नी के 7वें स्थान में, ठीक है, जो उसका पति स्थान के लेता है, वहाँ जाके बैठ जाएंगे या वहाँ दृष्टि देंगे। आपके बेटे के 9वें स्थान पे देखेंगे या दृष्टि देंगे, या किसी प्रकार से भी आपके बेटे के 9वें स्थान को, बेटा बेटी के 9वें स्थान को टच करेंगे, पत्नी के 7वें स्थान को टच करेंगे, या आपके साथ बहुत अनजस्ट अनहोनी घृणित घटना क्रूर हिंसक घटना घटित होने वाली है
तब सूर्य महाराज क्या करते हैं, या तो पत्नी स्थान को देखते हैं या वहां चले जाते हैं या फिर वो आठवें स्थान पे चले जाते हैं। जब पति के साथ बहुत बुरी घटना होने वाली है तो कई बार ऐसा होता है ज्योतिष सूर्य महाराज पत्नी के आठवें स्थान में चले जाते हैं, बेटे के छठे आठवें बारे में चले जाते हैं और इशारा करते हैं कि भाई ये जो है ना सूर्य महाराज छः आठ बारह में जाके उनका नुकसान करेंगे। ज़्यादातर तो ये होता है कि बेटे पिता के साथ बहुत घात होने वाला है तो बेटे की कुंडली में सूर्य महाराज नौवें स्थान के आसपास घूमेंगे, नौवें को टच करेंगे या उसके ऊपर से चार करेंगे, इशारा कर देते हैं। तो ये इशारा करने वाले महाराज हैं, जैसे ही सूर्य का उदय होता है पक्षी दुनिया मजदूर सब अपने निकल पड़ते हैं काम धंधे में, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है सारे के सारे अपने घर चले जाते हैं। तो ये इशारा है, ये प्रकृति है, सूर्य है, सूर्य महाराज की ताकत है। सूर्य हेल्थ के मामले में, शरीर के मामले में सूर्य काफ़ी मददगार है। सूर्य महाराज के बारे में कहा गया है, सूर्य समस्त नेत्र रोग तथा अन्य सभी रोगों को दूर करने वाला देवता है। ना तस्य चिरोग भवति आरोग्यम भास्कर भास्कर आदि छेत, ठीक है। सूर्य भगवान आरोग्य देते हैं, हेल्थ देते हैं, ठीक है। तो यदि आपको कोई वैसी प्रॉब्लम हो रही है तो जनरली एस्ट्रोलॉजर एज एस्ट्रोलॉजर हम लोग बोलते हैं भाई भगवान सूर्य को जल देना, ठीक है। तो पंडित जी मैं तो देते ही जल बिल्कुल देते ही गुरु जी देते ही देते हैं, हमने बहुत बड़ी बात। फिर बोलते हैं कि सूर्य आदित्य का स्रोत का पाठ करना, फिर वो चुप हो जाता है, वो नहीं पढ़ना, उसको नहीं पढ़ेगा वो, ठीक है। तो फिर बोलते ठीक है भैया सूर्य को जल दे देना, सूर्य महाराज, ठीक है। अब आप कभी भी उठो, कोई 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है, दिनचर्या जानते हो, सबके अपनी अलग अलग है, सबकी अपनी परेशानियाँ हैं। जब भी उठते हो सूर्य महाराज को नमन कर लो, सूर्य महाराज आपको हेल्थ देंगे, ठीक है। ऐसे सरल आराधना करनी चाहिए, सरल उपासना करनी चाहिए, ज़्यादा थकना नहीं चाहिए। ऐसे ही समय खराब रहता आदमी यार, दिमाग खराब रहता है, जे पंडित जे बता रहा है जे कर लो, ओंधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, टोटके कर लो साहब, है ना। अरे आदमी का समय खराब होता ना टोटके में मन लगता, ना पढ़ने में मन लगता। जब आदमी का समय विकट होता तो बहुत खराब होता है, क्योंकि परेशानी गजे बजे के साथ आती भाई, समझ गए। और यदि आपके पास लक्ष्मी आ रही है तो लक्ष्मी बलाएं भी लेके आती है, समस्याएं लेके आती है, अनर्गल तरीके से धन कमा लिया है आपने, ठीक है, उस समय तो बहुत मीठा लगता है। जब समस्याएं जो जब भी लक्ष्मी जी आती है तो गाजे बाजे के साथ आती है, जहाँ धन है वहाँ समस्या भी रहती है। इसका आप हमेशा याद रखना कि जहाँ अति धन है वहाँ संकट भी बहुत रहते हैं। तो ये सब जीवन का उतार चढ़ाव है। उम्मीद है कि ये मेरा छोटा सा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। बीच बीच में मैं अपनी जीवन की बातें और इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ, इसलिए कि एक रूटीन टाइप की कोई चीज़ ना हो जाए। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वीडियो लोग मशीन की तरह रूटीन की तरह बनाते हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं। तो हम ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ, ऐसा यूट्यूबर हूँ कि मैं अच्छे कंटेंट आपको देना चाहता हूँ, अच्छी बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये जो मैं ऐसे तमाशे करता हूँ ना, ये मैं कोरल में बनाता हूँ, काफ़ी मेहनत लगती है। जैसे ये सिंबल सब मैं बनाता, बनवाता नहीं और भैया खुद ही बनाता हूँ मैं। जैसे ये अब इसमें कौन सा कलर देना, अब जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, और ये बनाया, तो दोनों कलर मैंने देखा कि यार ये इसमें अच्छा दिख रहा है और इसमें थोड़ा सा ये मेरे मन को भा रहा था, ये मैंने ऐसे डिजाइनिंग कर दी इसमें, ठीक है। ये सब कोरल में तमाशे करता हूँ मैं, तो ये मेरा अपना क्रिएशन है यार, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ तो वो सब मैं करता रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे को बड़ी काम आती है एस्ट्रोलॉजी में, कि खुद से मैं अपना थंबनेल बनाना और खुद से चीज़ें करना। जैसे ये पावर पॉइंट में मैं काम करता हूँ, अब ये पावर पॉइंट का मैं 5,000 रुपये लगता था यार, वो बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, अरे दिनेश शर्मा तूने 5,000 नहीं दिया है, तेरे को हम चलाने नहीं देंगे पावर पॉइंट। तो बड़े पैसे लगते हैं यार, ठीक है। एक तो ईमानदारी की ज्योति और दुनिया भर का पैसा, बड़ा सा कंप्यूटर और पेवेलियन का बड़ा कंप्यूटर रखो, ये करो वो करो, इसके बाद फिर भी ईमानदारी से ज्योतिष करो कभी कभी बहुत खलने लगती है, क्योंकि यार एक आदमी है जो अष्टमेश बताने के लिए 5 से 10 हज़ार रुपये लेता है, और हम भैया अष्टमेश बता रहे हैं 500 रुपये का, उसको PDF भी भेज रहे हैं, प्यार से भी बात कर रहे हैं, 30 मिनट भी कर रहे हैं, उसका काम भी जल्दी कर देते हैं। तो कई बार हम कंपेयर करते हैं यार कि यदि हमारी फीस हम 5,000 रुपये कर लें और मेन में एक मुर्गा भी फंस गया, ठीक है,
एक मुर्गा भी फंस गया तो हमारी तो धो गई 10-20 आंगनवाड़ी, 10-20 उसका कुंडलियों का काम। तो इस तरीके से लोगों ने अपनी फीस बढ़ा लेते हैं, तो हम कई बार देखते हैं कि वो लोग हमसे बहुत गति में बहुत तेज होते हैं। एक और चीज़ है, जैसे आपकी फी बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारी फी 500 रुपये है, तो लोग काफ़ी हल्के से लेते हैं। अरे 500 रुपये लेता है, इसको कुछ नहीं बनता होगा, बेवकूफ़ साला। अच्छा 5,000 लेते हैं महाराज, बोले। अच्छा महाराज का नंबर भी नहीं लगता जल्दी, बोले। तो वो महाराज मनोविज्ञान जानता है, 5,000 भी लेना और चूतिए को बोलो कि 3 दिन बाद टाइम मिलेगा, तब बोलता अरे भयंकर विधि रहता है एस्ट्रोलॉजर ये, ठीक है। तो ये जो नए एस्ट्रोलॉजर हैं उनको मैं गुण और ज्ञान देता हूँ कि अपना रेट बिल्कुल कम मत रखना, और तुमने रेट कहीं कम रखा तो तुमको समझेगा बंदर वो, ठीक है। ये बंदर जो मदारी, इसको एस्ट्रोलॉजी नहीं बनती है, और उसको जल्दी टाइम बिल्कुल मत देना। उसको बोला सुनो, आज तुमने पेमेंट करे 5,000, तो तुम उसको कम से कम 10 दिन बाद का टाइम दो। अब पैसा तो दे ही दिया उसने, अब मरता का या नहीं करता वो घूमेगा। ये जनता का मनोविज्ञान आपको बता रहा हूँ। हालांकि इन सब चीज़ों के मैं बिल्कुल खिलाफ़ हूँ, ठीक है, लेकिन ये मेरे मन की बात है। इस देश के प्रधानमंत्री मन की बात करता है ना, उस देश उसी लिए मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं भी मन की बात करता हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजर के मन की बात है। तो आपको मैंने बताया कि कैसे जनता का मनोविज्ञान के साथ खिलवाड़ किया जाता था। ओशो महाराज ने सब जो मनोचिकित्सकों की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रखी थी, और वो जानते थे कि अगला व्यक्ति मेरे साथ आके खड़ा थे क्या पूछेगा, उसके चेहरे मोहरे से ही जान लेते थे वो कि यार अब ये बोलने वाला ही व्यक्ति, ठीक है। और जैसे ही वो मतलब बोलने के पहले बोल देता, अच्छा तुमको ये समस्या है, ये समझ जाए कि मनोविज्ञान है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, मेरे व्यूअर्स और मेरे देखने वालों को मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, मैंने जो बात बताई 5,000 वाली, ये बात उचित नहीं है, ठीक है। आप कुछ दिन तक तो बहुत इंजॉय कर सकते हो, कुछ पैसे कमा सकते हो, एक दो प्लाट खरीद सकते हो, फ्लैट खरीद सकते हो, महंगी गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन इसके नतीजे बहुत ख़राब आएंगे। क्या होता मालूम है, आपकी जो पीढ़ी है, संतान, वो बिगड़ जाती है। बहुत कष्ट होता, बहुत कष्ट होता है। गरीब के घर में भोजन साधन तो कम होते हैं, लेकिन अजीब सी शांति होती है। वो व्यक्ति डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटता है, जैसे गरीब एस्ट्रोलॉजर कभी डॉक्टर के चक्कर नहीं काटेगा, क्योंकि वो नहीं लेता, उठपटांग हरकतें ही नहीं करता है, ठीक है। और जो व्यक्ति 5,000 और 10,000 की फी ले रहा है, कई प्रकार के रोग राई लगे हैं उसके पीछे यार, आधा पैसा तो डॉक्टर को दे देता है वो, ठीक है। तो मेरी नई पीढ़ी से मेरा ऐसा मानना है, जो नए एस्ट्रोलॉजर है उन लोगों से मैं ऐसा कहता हूँ कि ये ज्योतिष का जो पेशा अपन कर रहे हैं ना, इसके अलावा कोई दूसरा काम भी हमारे पास होना चाहिए यार, क्योंकि इसमें पैसे आप या तो फिर बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भयंकर बढ़िया गोचर बता के फलित दे देते हो, डेट वेट निकाल देते हो, तब तो तुम्हारे घर में गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। और यदि आपके पास ऐसी क्षमताएं नहीं हैं तब बड़ी दिक्कत होगी यार। आप छोटा मोटा काम ज्योतिष का कर रहे हो तो पैसे नहीं बनते, तो आपको दूसरे साधन भी पेट पालने के रखने चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि हम इस लाइन पे झूठ नहीं बोल पाएंगे। हम ज्योतिष एक के ब्रह्म विद्या है, इसमें झूठ बोलने से बचना चाहिए। दूसरा काम कर लो यार, दूसरे काम में से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ये जो नए लड़के हैं उन लोगों के लिए है, आप लोग जुड़े रहिए। और काफ़ी मन की बात मैंने बताया है, ठीक है। तो ये मन की बात में ही मज़ा है, बाकी तो जैसे मैं कॉलेज में जब पढ़ाता था ना, तो कॉलेज में मैं पढ़ाता था तो स्टूडेंट बोलते थे कि सर 40 मिनट में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था, 5 मिनट में बोलता था यार मैं आप लोगों से, मैं 5 मिनट दीजिए मुझे। तो मेरे को बाद में लड़के बोलते थे क्लास से निकलने के बाद, सर 40 मिनट तो किसी से भी पढ़ सकता हूँ, पॉलिटिकल साइंस की तो पढ़ना है, मैं किसी से भी पढ़ सकता हूँ। आप जो 5 मिनट आखिरी में जो पढ़ाते हो अपने मन की बात, हमको तो उससे मतलब, बोले हम आपकी क्लास उसी लिए, उस 5 मिनट के लिए अटेंड करते हैं। और मैं लोगों को बताता था कि कैसे पीएससी की तैयारी करना, और कैसे लोग झूठ बोलते हैं, लोगों को मनोविज्ञान कैसे रीड करते हैं। तो उनको इतना आनंद आता था, क्योंकि सच तो बोलते ही नहीं हिंदुस्तान में। आप देखना, ये देश ऐसा है, यहाँ DNA है, यहाँ के लोग सच बोलना भी नहीं चाहते, सच सुनना भी नहीं चाहते, इनके व्यवहार में सच नहीं है, ठीक है।
इतनी गंदी गंदी परंपराएं इस देश में चलती हैं, आप कह नहीं सकते, इतने दोगले किस्म के लोग हैं। ठीक है, तो जब आप कोई सच बोलता है तो अपील करता है सच, और लोग बड़े पसंद करते हैं, क्या मस्त बात बोली यार, क्या बात बोली यार, क्या बात बोली यार। ठीक है, तो सच बोलने वाले बहुत कम बन, रेयर रेयर लोग हैं, ज़्यादातर लोग झूठी बात करते हैं। वो हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होता है। मन की बात कुछ और, बोलना करना कुछ और। तो ये मन की बात बड़ी खतरनाक होती है, लोग मन की बात भी झूठ बोल जाते हैं यार, इतने दुष्ट टाइप के लोग हैं, मन में भी झूठ। अरे मन की बात बोल रहा तो सच बोल देना, मन की बात भी झूठ बोल जाते हैं। देखिए सूर्य के बहाने कितनी सारी बकवास मैं कर दिया, मैं इतनी बकवास कैसे कर लेता हूँ, मेरा जो सूर्य है ना वो पीड़ित है सूर्य के साथ, मेरा सूर्यास्त भी है, तो बकवास हो ही जाती है। ऐसा होगा नहीं किसी वीडियो में थोड़ी बहुत बकवास ना करूं, मूल स्वरूप मेरा आ ही जाता बकवास करने का। जिसका सूर्य पीड़ित होगा वो अपने मैटर से भी हटके दूसरी बात करे, जैसे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, और जिसका सूर्य बिल्कुल पीड़ित नहीं होगा वो टू दी पॉइंट बात करता है, एक एक बात बिल्कुल उसकी काम की रहती है। तो मैं कई बेकाम की भी बात कर जाता हूँ, उसके पीछे ये रीजन है सूर्य का पीड़ित होना। अब बाई बर्थ जैसा मिल गया है तो मैं वैसा ही रहूँगा यार, है ना। तो यार ये 26 मिनट का वीडियो हो गया, और मुझे मालूम है कि ये वीडियो कंटेंट तो मैंने सूर्य उपासना का दिया था, बकवास में कुछ और कर गया। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति सूर्य उपासना का मंत्र सुनेगा या मेरी बकवास सुनेगा। मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये वीडियो मैं लगाऊं या वीडियो को मैं कट कर दूं बाकी बकवास को। लेकिन यार मैं सुबह 5:34 पे प्रातः बना रहा हूँ वीडियो 24 जून 2022 को, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन के हृदय से जो बातें निकली है वो बातें आप तक जानी चाहिए। मैं कोई कट नहीं करूँगा, कोई कट पेस्ट नहीं होगा, जो सीधा मेरा 27 मिनट का वीडियो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। बहुत कम है इस दुनिया में सच बोलने वाले, जिसने सच बोला उसको लोग दौड़ा दौड़ा के मारते हैं यार। सच देखो, सूर्य महाराज है ना, ये सूर्य महाराज यहाँ पे, सूर्य महाराज लोग तो क्या 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 कहते थे कि बोले धरती जो घूम रही है, बोले है ना, कहाँ धरती घूम रही है यार, धरती तो अपने अक्ष में घूम रही है। धरती अपने अक्ष में मूवमेंट कर रही थी, और पहले बोलते थे नहीं धरती नहीं कोई मूवमेंट करती भैया, ये सूर्य चक्कर, सूर्य महाराज ये चक्कर काट रहे हैं। जब कॉपरनिकस ने बोला था ये बात, कितना झगड़ा हुआ था, उसको जला दिए थे। गैलीलियो ने बोले थे, कितने झगड़े हुए थे, है ना। चर्च ने कितनी दादागिरी करी थी, ठीक है, अरे तुम तो धर्म के खिलाफ बोलते हो। तो उन्होंने बताई थी कि यार वास्तव में क्या है, ठीक है, सच क्या है। सच तो ये है सूर्य महाराज वहीं के वहीं विराजमान है, ठीक है, सूर्य महाराज वहीं के वहीं विराजमान है, बाकी लोग सूर्य महाराज के चक्कर काटते हैं। ठीक है, बाकी ग्रह सभी अन्य ग्रह सूर्य महाराज के चक्कर काटते हैं, यही सच है, इस सच को आपको मानना पड़ेगा। ये सूर्य महाराज ये बाकी ग्रह से ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। कॉपरनिकस साहब ने जब बोला था तो उसको जला दिए थे, मार दिए थे। गैलीलियो ने बोला तो उसको मारे, पिटाई करे, ठीक है। तो इस देश में कम हुआ कि हमारे देश में, हमारे देश में चार्वाक को निपटाए, बौद्ध धर्म को खत्म कर दिया गया, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी फिलॉसफी थी, ओशो से चढ़ते हैं लोग, और कबीरदास की दोहे कोई बोल दे जनता मारने लगे उसको, तो सच स्वीकार नहीं है, सच बहुत कड़वा है, ठीक है। आप तो सच बोला ही नहीं जा सकते, लोग मारने जाते हैं, आप सच बोले मार देंगे लोग, क्योंकि ठेकेदार हैं धर्म के, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये बोले थे, ये सच बोला था कॉपरनिकस ने, मारे कि नहीं मारे। अरे भैया बोले सूर्य घूमता रहे, सूर्य नहीं घूमता रहे मेरे भाई, धरती घूमती है, ये धरती अपने अक्ष में घूम रही है, सूर्य वहीं है, और सूर्य के जो है जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य घूमते हैं तो कहीं दिन हो जाता है कहीं रात हो जाता है। तो जब सच बोला जाता है तो काफी कड़वा होता है, और लोग लठ लेके निकल जाते हैं मारने, यहाँ बहुत भयंकर लोग हैं, सुनना नहीं चाहते, जो परंपराएं उनके खिलाफ चले जाते हैं, ठीक है, मारा पीटी करने लगते हैं। और आपने देखा होगा कि ब्लैस्फी ला पंजाब में आज लगा है, धर्म निंदा वाला कानून, और पाकिस्तान में भी है, और कुछ लोग बोलते हैं कि भारत में तो अभी ये कानून है नहीं, जिस दिन भारत में कानून बन जाएगा ब्लैस्फी ला, ईश निंदा, अभी केवल पंजाब में है,
ठीक है, बहुत तकलीफ हो जाएगी, आप बोल नहीं पाओगे, लोग भयंकर तानाशाही करेंगे धर्म के नाम पे और आपके जीवन को दुरा कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यदि हम किसी धर्म की या किसी विचार की या किसी विचारधारा की या हम किसी शासन तंत्र की या हम सरकार की आलोचना यदि नहीं करेंगे तो उसके अंदर का जो कमियां हैं वो कैसे निकल पाएगी, कभी निकलेगी क्या? हम किसी की जब बुराई नेगेटिव बात बताएंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो भैया ये तो करना ही पड़ेगा कि हमको किसी तंत्र का जो है किसी तंत्र की जो है चीज़ों को बाहर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। हरे कृष्णा।